हरिओम आप लोगों का ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल रो में फोटो मिक्सिंग को कैसे करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ इसको क्या है अलग अलग डिजाइनिंग के वक्त भी आप क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं सो अभी के लिए क्या है एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं लेके इसे ड्रैक किया मैंने विथ साइज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट क्या है मिलीमीटर कर लेता हूँ अभी अभी इसको सेलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ इधर एक ट्वेंटी एम एम बाय हंड्रेड एम एम का एक स्ट्रिप लिया मैंने अभी इस स्ट्रिप को क्या है और एक, एक इधर क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे लेके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो और एक कॉपी बन गया अभी अभी इसमें क्या है नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर ब्लैंड टूल लेता हूँ ये क्या है ब्लैंड टूल है शाडो टूल के अंदर क्या है ब्लैंड टूल है अभी इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ ड्रैग करके जैसे ही इधर स्टैप होता है क्लिक छोड़ दिया मैंने अभी देखो इसमें क्या है नंबर ऑफ स्टेप्स थ्री है तो इसको क्या है एक सेवन करता हूँ सेवन करके एंटर दिया मैंने सो so, एंटर देने के बाद अभी देखो इन सब स्ट्रिप में जो बीच में जो गैप है वो ठीक से आया है सो so, इधर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इधर आके एक्सेलरेशन में आके इधर क्या है अभी ये जो बीच में जो लाइन है इस लाइन पे आके, आके आपको क्लिक करना है इधर तो ये सेंटर में आ जाता है सो so, देखो भी ये सेंटर में है भी ये जो बीच में जो स्ट्रिप है इसको स्प्लिट करना है स्प्लिट करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर आता हूँ मोर ब्लेंड ऑप्शन में आता हूँ आके इधर क्या है स्प्लिट करके है इसको क्लिक करता हूँ क्लिक करके इस एरो को क्या है इसके ऊपर लाके क्लिक किया मैंने तो देखो भी ये स्प्लिट हुआ है अभी इसका जो हाइट है ये क्या क्या है 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 इसको अभी अभी मैं क्या करता हूं? 200 कर लेता हूं। 200 करने के बाद देखो भी ऐसा आ गया अभी इन सबको मुझे ब्रेक ब्रेक करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो करो आप और इस पोर्शन पे भी राइट right क्लिक करके ब्रेक करो ब्रेक करने के बाद देखो भी ये अभी देखो सेंटर में थ्री पोर्शन क्या है ग्रुप है इसको भी क्या है अनुग्रुप करता हूँ और इसके ऊपर भी राइट right क्लिक करके अनुग्रुप करो आप तो ये क्या हुआ है सब स्ट्रिप क्या है अभी अलग अलग हुआ है अभी देखो इसमें इंसर्ट करने के लिए कुछ इमेजेस को इंपोर्ट करता हूं मैं तो इधर क्या है एम्प्टी स्पेस पे माउस राइट क्लिक करो राइट right क्लिक करके आपको क्या करना है इंपोर्ट बोलना है सो इंपोर्ट बोलने के बाद देखो अभी ये क्या है फर्स्ट वन सिलेक्टेड है शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सब सिलेक्टेड है अभी इम्पोर्ट बोलता हूँ सो अभी देखो क्लिक करके इसे ड्रैक कर रहा हूँ मैं सो ऐसे इन सबको क्या है आपको इम्पोर्ट करना है सो ये सब इम्पोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है अभी इसके अंदर इंसर्ट करना है अभी देखो इस इमेज को क्या है माउस राइट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग करके इसके अंदर लाके क्लिक छोड़ देता हूँ पावर क्लिप इंसर्ट बोलता हूँ तो इसके अंदर आ गया अभी इसी तरह क्या है इन सब इमेज को क्या है आपको इधर पावर क्लिप करना है सो तो ये आपको समझ में आ रहा है सो तो देखो अभी ऐसे लेता हूं मैं सो तो इन सबको क्या है पावर क्लिप करने के बाद आपको इमेज उसको फिर से और एक बार एडजस्ट करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर ये सब पावर क्लिप हो गया अभी अभी देखो इस स्ट्रिप को सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके और एक बार क्लिक करो तो ये पावर क्लिप ओपन होता है सो so, एडिट कर सकते हैं आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सो so, देखो भी ऐसे एडजस्ट किया मैंने कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करो अभी देखो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके और एक बार क्लिक करना है अभी देखो शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस इमेज को बड़ा कर लेता हूँ सो ऐसे स्लाइड करो आप आपको जो पोर्शन चाहिए उस पोर्शन को लाने के बाद आपको कंट्रोल को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ क्लिक करना है तो पावर क्लिप फिनिश होता है सो देखो भी ये आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या ऐसे ऐसे लेता हूँ सो देखो सो इसको भी क्या है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अभी मैं इधर सो इसको लेफ्ट में लेता हूँ सो देखो भी ये आपको समझ में आ रहा है अभी इधर आता हूँ कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है ओपन होता है तो एडिट कर सकते आप सो कंट्रोल के साथ आप बार क्लिक करेंगे तो फिनिश होता है सो समझ में आ रहा है आपको सो इसी इस हूं, तरह इसमें आता हूँ कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करना है तो ओपन होता है सो so, अभी देखो इसको थोड़ा राइट में लेता हूँ मैं सो so, लेने के बाद अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे कंट्रोल को होल्ड करते हुए बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ तो फिनिश हो गया फिर से इसको एडिट कर लेता हूँ so, देखो अभी ये आपको समझ में आ गया अभी इसमें कुछ और थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ इन सबको सेलेक्ट करो पहले सेलेक्ट करके इसका जो आउटलाइन है रिमूव करता हूँ मैं माउस इधर राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोल दिया तो आउटलाइन रिमूव हो गया अभी इसमें क्या है एक शेडो देता हूँ मैं तो उसके लिए क्या है इधर शेडो टूल लेता हूँ लेके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप सो तो ड्रैग करने के बाद अभी देखो ये क्या है शेडो बाहर की तरफ आ रहा है सो यानी इधर क्या है ड्रॉप शेडो तो है सो अभी मैं क्या करता हूँ इनर शेडो लेता हूँ तो देखो भी इस स्क्वायर के अंदर की तरफ आ गया है अभी ये शेडो सो एक बार इसको जूम करके आप क्या करो ऐसे जैसे आपको चाहिए वैसे आप सेट कर लो सो अभी देखो इधर क्या है इसको डार्क और लाइट आप कर सकते हैं ओपेसिटी इसको 80 देता हूं सो और स्प्रेड क्या है ये भी कम ज्यादा आप कर सकते हैं अभी के लिए इसको 15 ने रखता हूं मैं सो अभी देखो इन सब को मुझे ये शेडो देना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इधर अट्रीब्यूट आई ड्रॉ पर करके है इसको लेता हूं मैं इसको लेने के बाद इधर आपको क्लिक करना है एक बार यानी इसका प्रॉपर्टीज ले लेता है वो बाद में इधर क्लिक करता हूं तो देखो अभी इन सबको ऐसे बहुत आसानी से क्या है आप ऐसे शेडो दे सकते हैं देखो भी ऐसा आ गया अभी देखो इसके लिए मुझे क्या करना है एक बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ एक रेक्टेंगल लेके एक बॉक्स लिया लेने के बाद इधर कौन सा भी शेड आप इधर दे दो अभी इसको शिफ्ट पेज डाउन बोलता हूँ तो देखो भी ऐसा आ गया सो ये सब क्या है एल्बम डिजाइन वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अभी देखो और एक, एक दूसरा शेड भी देता हूँ मैं रेड में थोड़ी देर तक होल्ड करके मरून शेड दिया मैंने सो देखो भी इस तरह क्या है आप फोटो का मिक्सिंग वर्क कर सकते हैं आप इधर क्या है विदाउट गैप भी आप क्रिएट कर सकते हैं ये सब करके आप चेक कर लेना अगर यह करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद